अपनी बहन को बैंड बाजे बराती के साथ धूमधाम से विदा किया था, लेकिन वापस उसे एम्बुलेंस में भेज दिया गया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह कहना है ससुराल में मौत की नींद सुला दी गई मृतका के परिजनों का। मामला राजधानी पटना के राजा बाजार का है, जहां जगदेव पद के पास एक परिवार के लोगों ने अपनी बेटी की शादी हाल के दिनों में ही की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले ने बेटी को मौत की नींद सुला दिया, जिसको लेकर आज राजधानी पटना के बेली रोड को पूरी तरीके से जाम कर आगजनी किया गया और परिजनों का मांग था कि अपराधी पति की गिरफ्तारी हो। इसको लेकर बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाओं ने रोड को जाम कर आने जाने वाली गाड़ियों को रोक कर रखा था और न्याय की मांग कर रहे थे। जी हम लोग वहाँ से खबर आया, मेरा मनीष कुमार लड़का फोन किया कि पापा ऐसा ऐसा बात है, तो हम अपने भगिना अपने एक साला के बच्ची के दामाद यानी मेरा भी दामाद हुए, उनको लेकर के हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली थाना में पहुँचे तो दिल्ली थाना में मेरा लड़का मनीष कुमार वहीं पे था। उसके बाद थाना वाला से पूछे तो वो हमको डरा धमका कर करके कहीं कि ऐसे ऐसे आप एफ आई आर लिखी एगो कागज में लिख करके दीस और कहीं कि ऐसे ऐसे कागज में जो लिखा हुआ है से उतार दीजिए। हम लोग ने उतार दिया, कहीं कि अगर नहीं उतारिएगा तो अभी तो डेड बॉडी के दो दिन हुआ है, अभी चार दिन आओ यहीं डेड बॉडी को रखेंगे। तो हम लोग अपना बच्ची समझ करके अपने खून के कतरा समझ कर कर करके जैसे जैसे वो कही वैसे वैसे हम लोग कहा जाए कि आप तो जबरदस्ती जी हम लोग के साथ जबरदस्ती एफ आई आर की कॉपी है आपके पास? जी हाँ है, वहाँ से मिला है।